है बगल के क्षेत्र से माननीय मुलायम जी आजमगढ़ सीट से लड़े थे चुनाव, वहाँ 24 घंटा बिजली की व्यवस्था है। जौनपुर जिले में राज्य मंत्रियों की भरमार है, मंत्रियों की भरमार है, उसके बाद भी ये स्थिति है कि हम लोगों को पूरी रात जाग करके गुजारनी पड़ती है। 16 घंटे भी कम से कम बिजली यहाँ नहीं मिल पा रही है, पूरी रात गायब बिजली रहती है। दिन में इतनी भीषण गर्मी में ये स्थिति है कि दिन भर में 1 से 2 घंटे लाइट मिल जाए तो बड़ी बात है। किसको जिम्मेदार मानते हैं आप इस कटौती के लिए? सपा प्रशासन पूरी तरीके से जिम्मेदार है। सपा प्रशासन, यहाँ के मंत्री और राज्य मंत्री, ये लोग जिले की स्थिति को लेकर के हाईकमान को जरा भी कोई सही जानकारी नहीं देते हैं, कोई प्रयास नहीं है इनका। इस समय 2-4 घंटे बस लाइट आ रही है, हम लोग को बहुत दिक्कत हो रही है। खाना बनाना है, बच्चों को पढ़ाना है, सारा काम रुक जाता है और छोटे बच्चे दिन भर गर्मी में परेशान रहते हैं। सरकार इस पर ध्यान ही नहीं दे रही कोई, हम लोग परेशान हैं। आप लोग महिलाएं हैं, खासकर खाना बनाने? हाँ, खाना बनाने बहुत दिक्कत होती है, अंधेरा हो जाता है पूरा। क्या लगता है प्रशासन या शासन आप लोगों के हित में कोई काम नहीं कर रहा है? बिजली नहीं, अब देख के तो ऐसा ही लग रहा है, नहीं बिजली आ रही है तो क्या कहा जा सकता है, यही कहा जा सकता है, इस पर ध्यान ही नहीं दे रही है सरकार। कितने घंटे मिल पा रही है? घंटे कभी कभी तो वो नहीं रहती है पूरे टाइम। गर्मी में सारे बच्चे रोते रहते हैं, इधर उधर गर्मी से परेशान रहते हैं। शाम को टाइम खाना बनाने में बहुत दिक्कत होती है, इधर बच्चों को देखे हो ऐसे में खाना बनाए। प्रदेश सरकार को ध्यान नहीं दे रही? बिल्कुल एकदम नहीं। क्या चाहती हैं आप कुछ प्रदेश सरकार से? थोड़ा बदलाव करें, लाइट की व्यवस्था ठीक करें, लाइट दें कम से कम, बच्चों को सुख रहे, पढ़ाई लिखाई में बहुत दिक्कत होती है। जनता इससे इधर जो है बिजली की स्थिति बड़ी ख़राब है, शहर से लेके ग्रामीण क्षेत्रों में लोग, किसान भी परेशान हैं, साग सब्जी से लेके भैंस के पानी तक हैं, बिजली न रहने पे हर व्यक्ति यहाँ के क्षेत्र से, शहर से लेके देहात तक परेशान है, खेती के लिए भी दिक्कत हो रही है। कितने घंटे बिजली मिल रही जनपद में? इस समय 4 घंटे है, देहात में 4 घंटे बिजली आती है, न किसी का पानी भरा जाता है, न खेती हो पा रहा है और न किसी का मोबाइल। लड़के परेशान हैं, छोटे छोटे बच्चे परेशान हैं, स्थिति बड़ी ख़राब है। और हमको ये लगता है कि कोई भी सरकार, चाहे यूपी सरकार हो चाहे कोई भी सरकार हो, वो कोई देखिए बिजली व्यवस्था ठीक ठाक नहीं कर पाएगा। ये खाली एक कहना है, किसान हरदम परेशान है, वो परेशान रहेगा, उसके बारे में कोई सोचने के लिए तैयार नहीं हो, चाहे कोई भी प्रदेश। खराब होने की कौन जिम्मेदार माने? बिजली विभाग खराब होने का सबसे बड़ा यहाँ के अधिकारी और ये नेता हैं जो प्रदेश में बैठे हैं, उनका ये अधिकारी, बिजली विभाग के लोग तो सरकार में, चाहे वो मुलायम सरकार हो चाहे किसी की भी सरकार हो, लेकिन उनकी बात को हमको लगता है मानते नहीं, बिजली विभाग के लोग कतई नहीं मानते हैं। इनको खाली बस ये बिजली विभाग के अधिकारी धन उगाही करते हैं और इनको उससे ही मतलब है, और जहाँ इनको पैसा मिलता है वहाँ पे 4 घंटे जो मिल रही है वो 4 घंटे वो दे देते हैं,